अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी आवाज़ सुन के आप पहचान के होंगे, मेरा नाम ज़रमीना मरियम है और इस चैनल में जो दादी हम आती हैं उनकी मैं बेटी हूँ। तो हमने सोचा कि मैं आपका जो है इनके खूबसूरत गार्डन का मैं टूर करूँ। तो सर्दियों की जनवरी की दोपहर, खूबसूरत आज जुम्मे का दिन है, सबसे पहले जो नज़र आ रहे हैं वो मटर के पौधे हैं। जहाँ जहाँ मैं गलत होंगी हमें बता देंगी। छोटे छोटे क्रेट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये क्रेट फ्रूट्स के होते हैं या सब्ज़ी वाले, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स जो हैं इसमें आते हैं। कुछ क्रेट में आते हैं लकड़ी के क्रेट में और कुछ प्लास्टिक के क्रेट में आते हैं। साथ अम्मी ने देखें ये रखी हुई है गाजर वगैरह जो कटी हुई हम फेंक देते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, इन्होंने माल्टे के छिलके वगैरह रखे हैं, कुछ भी नहीं उन्होंने छोड़ा। आप ये देखिए, दिस लुक्स, ये इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देख, ये छोटी सी बोतल है उसके नीचे सुराख करके। अच्छा, इनका असूल है किसी भी चीज़ पे अगर आपने पौधा लगाना है, कुछ भी गमला बनाना है, उसको नीचे से सुराख ज़रूर करें ताकि ये इसकी पानी का निकासी जो है ना वो हो सके। ठीक है, ये देखिए खूबसूरत। ओके, यहाँ पे आए, ये आई थिंक ये बाउल है और ये भी एक गमला है। ठीक है, छोटे छोटे, अब मुझे पता नहीं है क्या क्या पौधों के नाम है, यकीनन उनको भी पता नहीं होंगे, कुछ कुछ चीज़ों के पता होंगे क्योंकि हम नर्सरी से ले आते हैं खूबसूरत करके, और मुश्किल जो नाम होते हैं फिर हम भूल जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ खुश्क साली हुई हुई है, शायद पानी डाला जा रहा है। मूलियाँ हैं ये लगी हुई, मिर्चों के पौधे थे। और ये बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या ये दीवार पर सेम आ जाती है, बहुत होता है, तो मेरी अम्मी दो तीन। अच्छा जी, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये उसके बाद लहसुन और प्याज है। लहसुन और प्याज में अगर आपको फ़र्क मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो कि मुझे अम्मी ने बताया हुआ है कि जो प्याज है वो ऐसे स्ट्रॉ टाइप होगा, यानी कि उसके अंदर होल होगा, और जो लहसुन है वो ऐसा नहीं होगा। लाइक मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें, ये प्याज है और लहसुन अभी मुझे नज़र आया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें, ये देखें, ये भी शायद प्याज ही है, हाँ ये भी प्याज था, लहसुन अभी नज़र नहीं आ रहा। वो आए तो वो बस समझ लें कि वो होल नहीं होता। थोड़ा थोड़ा कहीं पे आपको सरसों का साग भी नज़र आएगा, थोड़े सोए भी नज़र आएंगे। वालदा की एक ये खूबी के खामी के कि ये चीज़ें डिफरेंट लगाती हैं, एक जगह पे एक चीज़ नहीं लगाती, यानी कि अगर आपको सोए चाहिए तो आप एक सोया यहाँ से उतारेंगे, आप एक यहाँ से उतारेंगे, ये देखें बीच बीच में लगे हैं। कल कड़ी बनानी थी तो मैंने भी फिर ऐसे ही पूरा सर्च ऑपरेशन किया और फिर मिला। रेड कलर की आपको ये नज़र आ रही है मूली, जो अहले इल्म है वो कहते हैं कि जी हम मूलियों को रेडिश कहते हैं, तो रेडिश का मतलब तो रेडिश, रेड के साथ मुंसलिक होना होता है, तो एक्चुअली ये वाकई ही बाकायदा इन्होंने रेडिश ही उगी हुई है। अगर आपको नज़र आ रही है खूबसूरती से लाइट और धूप का, भी इन्होंने पानी फेर रहा है, बीच में मिक्स मटर भी लगे हुए, जैसे ये वाला मटर है। अच्छा, ये मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि मैं आपको यहाँ से ये वाली दिखा रही है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि दो महीने के बाद अम्मी टर्न इसको चेंज कर लेती हैं, यानी कि इनको ये वाले सारे पौधे जो हैं जब ये उतर जाएंगे, इनका मौसम ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्यारी ख़त्म हो जाएगी, मे बी इस जगह आ जाए या किसी और जगह चल जाए। इसी मैंने ये देखे, ये आइसबर्ग के पत्ते देखे, ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक, हर चीज़ घर की, बर्गर बनाएं यहीं से आइसबर्ग उतार कर लगा दें। अच्छा, अब ये बाल्टी है पेंट की, इन्होंने इसमें भी कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। अच्छा, ये वाला देखें, एक छोटा सा डिब्बा है और अनवा इकसाम किस्म में खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। ये वाली चीज़ देखें, चाइना पत्ती शायद इसको कहते हैं, एक छोटी सी मूली भी लगा दी है इन्होंने, कंगी पाम लगाया हुआ है, लहसुन लगा, प्याज लगा हुआ है, और एक और मुझे कुछ नज़र आ रहा था, ये मेथी टाइप या पता नहीं, ये खुद रूप है, मेरा हाथ गंदा हो गया। अच्छा, ये भी एक है, ये हमारा टैंकी है, जो आज़ाद कश्मीर या इस तरफ के इलाके होते हैं टैंकी इनकी इस तरह की होती है, वो ब्लू वाली टैंकीज नहीं होती, क्योंकि हमने पानी स्टोर करना होता है तो फिर वो पानी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। एक नीचे टैंकी होती है अंडरग्राउंड ज़मीन के, और एक ये ऊपर होती है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करें ज़रा, ये गैलन को उल्टा किया हुआ,
मनी प्लांट लगा हुआ है और ये पता नहीं कौन सा, गेंदे के फूल, ये धनिया भी, यहाँ पे शायद लहसुन मिल जाए हमें। हाँ जी ये देखिए लहसुन, जो लहसुन है ना ये ऐसा होगा चिपटा सा, जो प्याज होता है उसके अंदर होल होता है। ये बैंगन का पौधा और ये फिर मटर। अच्छा अब हम ये देखें, ये वाला हिस्सा कवर कर लिया हमने, अब मैं आपको इस तरफ दिखाती हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर भी जो सोए बड़े हो गए, ये फिर ये बन गए हैं। अम्मी कुछ चीज़ें जो है ना बीज के लिए भी छोड़ देती हैं, कि चीज़ जो है जब अपनी मुकर्रा वक्त से जब ऊपर चली जाती है तो वो फिर बीज के लिए काम आ जाती है। अब कुछ पौधों का मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा कि ये क्या है। अम्मी ये इतना सारा ये क्या है? ये मेथी है, कितनी हो ये रही, ये कितना, ये चेक कर, ये शैम्पू कितना फूटी जा रहा है। एलोवेरा और लास्ट नॉट बट लीस्ट गेंदे के फूल। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा छत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।